ओके गाइस, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग काफी अच्छे हैं। एग्जाम की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी आपकी। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है लीनियर शिपिंग और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स। तो लीनियर वेसल बोल करके हमारा एक टॉपिक है। सो ये एक तरीके से ब्रीफ नोट हमें लिखना है लीनियर वेसल के ऊपर, जो कि लीनियर शिपिंग से रिलेटेड है। तो हमारा टॉपिक होने वाला है लीनियर शिपिंग क्या होती है एंड साथ ही साथ इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा ये लेक्चर, इसको पूरा देखना पूरी जानकारी के लिए। साथ ही साथ बोलना चाहूंगा कि अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप हमें कॉल या फिर व्हाट्सअप कर सकते हैं हमारे फोन नंबर पर, जो कि है 8101065300। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आप हमें कॉल या फिर व्हाट्सएप कीजिए, आपको वहां से सारी जानकारी प्रोवाइड करा दी जाएगी। एंड चलिए फिर आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। साथ साथ एक बात और बताना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसको दबा दीजिए, ताकि आपको मेरे वीडियोज की नोटिफिकेशन जो है वो सही टाइम पे मिलती रहे। तो आइए फिर देखते हैं कि ये क्या होता है। नाउ लीनियर शिपिंग क्या होता है? सो शिपिंग सर्विसेज केटरिंग टू मूवमेंट ऑफ जनरल कार्गो इज कॉल्ड लीनियर शिपिंग। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो कि आप शिपिंग सर्विसेज में के तहत जो है आप मूव करा रहे हो सामान को, कार्गो को, तो उसको हम कहेंगे लीनियर शिपिंग। अ लीनियर शिप इज अ फिक्स्ड शेड्यूल एंड अ फिक्स्ड पोर्ट ऑफ कॉल। लीनियर शिप में क्या होता है कि आपका जो शेड्यूल होता है वो फिक्स होता है और फिक्स्ड पोर्ट के बारे में बोला जाता है कि भाई इसी पोर्ट में मुझे सामान चाहिए, तो फिक्स्ड पोर्ट ऑफ कॉल होना चाहिए। इट इज अ पार्ट ऑफ फ्लीट एंगेज इन अ पर्टिकुलर ट्रेड। तो ये एक पार्ट होता है पूरे के पूरे फ्लीट का। फ्लीट मतलब एक बोल सकते हो ग्रुप, बोल सकते हो कि यू नो शिप्स का एक फ्लीट होता है, जैसे लोगों का ग्रुप होता है वैसे शिप्स का फ्लीट होता है। तो ये फ्लीट का पार्ट होता है जो कि एंगेज होता है किसी पर्टिकुलर ट्रेड में। याद रखना पर्टिकुलर ट्रेड है, ठीक है ना, मतलब कोई भी ट्रेड नहीं है, कोई पर्टिकुलर ट्रेड होगा उसी के तहत ये एक फ्लीट का पार्ट होता है लीनियर शिप। ओनर ऑफ लीनियर शिप्स आर लिमिटेड कंपनीज और मेंबर ऑफ कॉन्फ्रेंस। तो जो ओनर्स होते हैं वो शिप्स के, लीनियर शिप्स के, वो जनरली क्या होते हैं, वो लिमिटेड कंपनी के ओनर्स होते हैं या तो मेंबर्स होते हैं किसी कॉन्फ्रेंस के, ठीक है ना। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखना है। तो लीनियर शिपिंग क्या होते हैं, आई होप कि समझ में आ गया होगा। शिपिंग सर्विसेज केटरिंग टू मूवमेंट ऑफ जनरल कार्गो, जनरल कार्गो और ब्रेक बल्क कार्गो आप बोल सकते हो। जनरल कार्गो को ही ब्रेक बल्क बोला जाता है। जनरल कार्गो इज कॉल्ड लीनियर शिपिंग। ठीक है, जनरल कार्गो है, कोई स्पेसिफिक नहीं है, तो उसको हम बोलेंगे लीनियर शिपिंग। अब बात कर लेते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है कार्गो हैंडल। सो कार्गो मूव थ्रू दीज शिप्स इंक्लूड्स फिनिश्ड सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट्स लाइक रेडीमेड गार्मेंट्स, टी, कॉफी, लेदर एक्सेट्रा। एग्जाम्पल दिया गया कार्गो हैंडल में क्या हो जाएगा, मतलब किस तरह का सामान जो है वो ट्रांसफर किया जाता है लीनियर शिपिंग के तहत, सामान जो है पहुंचाया जाता है। तो वो क्या होगा, सामान किस तरीके का होगा, सामान यहाँ पे होगा टी, गारमेंट्स, कॉफी, लेदर एक्सेट्रा। तो कार्गो मूव थ्रू दीज शिप्स इंक्लूड, यहाँ पे कौन कौन से कार्गो, कौन कौन से सामान पहुंचाए जाते हैं, तो वो फिनिश या फिर सेमी फिनिश प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, जैसे कि कोई रेडीमेड गारमेंट हो गया, चाय हो गई, कॉफी हो गई या फिर चमड़ा हो गया, लेदर हो गया। ठीक है, कौन किस तरह के कार्गो हैंडल होते हैं मैंने बता दिया। अगला टॉपिक है कैरियर। सो इन लीनियर शिपिंग ओनर इज द कैरियर। लीनियर शिपिंग में जो ओनर होता है, कंपनी का जो मालिक होता है, वही कैरियर का भी मालिक होता है। शिपिंग ओनर इज कैरियर, जो शिपिंग ओनर होता है वही कैरियर होता है। बट द रोल, थोड़ा मैंने गलत बोल दिया, शिपिंग ओनर ही कैरियर होता है, जो सामान लेके जा रहा होता है वो कैरियर नहीं होता, बल्कि शिपिंग ओनर जो होता है वही कैरियर होता है। मतलब कोई लॉस होगा तो उसी को झेलना पड़ेगा। बट द रोल इज लिमिटेड टू दैट ऑफ अ कॉमन कैरियर। लेकिन उसका जो रोल है वो बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होता, जो कॉमन कैरियर का रोल होता है बस वहीं तक उसका रोल होता है, उससे ज्यादा उसको रोल, मतलब उसका बहुत ज्यादा यहाँ पे काम जो है वगैरह नहीं है। लेकिन कैरियर जो है वो शिपिंग ओनर खुद होता है उस लीनियर शिपिंग का। तीसरा है इंफॉर्मेशन एक्सचेंज। ठीक है, शिप ओनर शिपर्स इन्वॉल्व इन लीनियर शिपिंग शेयर इंफॉर्मेशन थ्रू मीडिया लाइक न्यूज़पेपर्स एक्सेट्रा। जो शिपर्स होते हैं वो यहाँ पे इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं विद द डिफरेंट प्लेटफॉर्म, जैसे कि यहाँ पे सबसे पहला प्लेटफॉर्म बोला गया न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर के माध्यम से जो है ये किया जाता है। किस तरह की इन्फॉर्मेशन शेयर की जाती है, दिस इन्फॉर्मेशन इंक्लूड्स द फॉलोइंग, नेम ऑफ द शिप, शिप का नाम क्या है, पोर्ट कवरेज, किस पोर्ट में इसका कवरेज है, डिलीवरी शेड्यूल, कब इसकी डिलीवरी होने वाली है, लोडिंग ब्लॉक, बर्थ, है ना, किस बर्थ में आपका जो है सामान लोडेड रहेगा, क्योंकि एक जहाज में एक ही कंपनी का सामान रहे जरूरी तो है नहीं, समझ रहे हो। एक्सपेक्टेड सेलिंग डेट, किस डेट पे वो सेल करना स्टार्ट करेगा, आई मीन सेल मतलब यहाँ पे पानी में जाने की बात की जा रही है, ना कि बेचने की, किस डेट पे वो सेलिंग स्टार्ट करेगा, डेडलाइन फॉर रिसीट ऑफ कार्गो, जो कार्गो आप रिसीट करोगे उसका क्या डेडलाइन होने वाला है, इस तरह की इन्फॉर्मेशन जो है वो लिखी जाती है ऑन न्यूज पेपर्स, ताकि इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज जो है वो हो सके। ठीक है, अगला पॉइंट है फिक्स स्केड्यूल। नाउ द फिक्सिंग स्केड्यूल इज एडवांटेजियस फॉर शिपर्स एंड कंसाइनी,
द ओनर मे सफर लॉसेस इफ शिप इज अंडर यूटिलाइज अगेंस्ट इट्स मैक्सिमम कैपेसिटी। देखो फिक्स स्केड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत सही होता है, बहुत फायदेमंद होता है शिपर्स एंड कंसाइनिंग के लिए, लेकिन समटाइम्स यहाँ पे लॉस भी झेलना पड़ता है अगर उनकी कैपेसिटी को ठीक तरीके से यूटिलाइज नहीं किया जाएगा। अगर उसकी कैपेसिटी अंडर यूटिलाइज रहेगी तो जो बेनिफिट आपको मिलना चाहिए वो आपको जो है नहीं मिल पाएगा, तो ये जो है सही नहीं होता है ना, आप इस तरीके से बोल सकते हो। तो ये पॉइंट हो गया फिक्स शेड्यूल। अगला है फिक्स्ड फ्रेट रेट, जो खर्च होगा, जो भाड़ा का खर्च होगा वो भी फिक्स्ड होगा। लीनियर शिपर्स हैव फिक्स्ड शेड्यूल्स, लीनियर शिपर का जनरली फिक्स्ड शेड्यूल होता है, व्हिच आर इंपॉर्टेंट बिकॉज फ्रेट नेगोशिएशंस टेक प्लेस अबाउट टू थ्री मंथ्स बिफोर एक्चुअल शिपमेंट डेट। जो एक्चुअल शिपमेंट का डेट है उससे तकरीबन 2-3 महीने पहले ही जो है एक तरीके से जो एग्रीमेंट वगैरह है वो हो जाता है, इसलिए इनका जो शेड्यूल होता है वो फिक्स होता है कि 2-3 महीने बाद हम इस टाइम पे ही सामान को रिसीव करेंगे, आपको इसी टाइम पे सेलिंग वगैरह करनी है, ठीक है ना। तो ये 2-3 महीने पहले ही फिक्स हो जा रहा है। दिस गैप मे चेंजेस, अब ये जो गैप है ये चेंज हो सकता है इन इन फ्रेट कॉस्ट विच विल नेगेटिवली अफेक्ट इधर द शिपर और कंसाइनी। अब ये हो सकता है फ्रेट कॉस्ट के कारण इसमें कोई भी बदलाव हो सकता है, लेकिन इसका असर जो है वो नेगेटिव पड़ता है शिपर या फिर कंसाइनी के ऊपर। टू ओवरकम दिस रिस्क, और इस प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए, इस रिस्क से बाहर निकलने के लिए फ्रेट रेट्स आर सेट इन टैरिफ और प्री डिसाइडेड। जो फ्रेट रेट्स होते हैं वो या तो लाइक टैरिफ जो भी होता है वो या तो बहुत पहले डिसाइड किया जाता है या फिर टैरिफ के बेसिस पर डिसाइड, टैक्सेस के बेसिस पर डिसाइड किया जाता है, आप ऐसे बोल सकते हो, ठीक है ना। क्योंकि जिस डेट पे आपको करना हो सकता है उस टाइम पे आपको सही सामान ना मिले, सही खर्च आपको मतलब ज्यादा खर्च करना पड़ जाए उस सामान को पहुंचाने के लिए, तो चीजें जो है 2-3 महीने पहले ही लाइक फिक्स कर दी जाती है कि दैट वी आर गोइंग टू डू दिस, ठीक है ना। Therefore, to sustain in business, इसलिए business में sustain करने के लिए, it must be ensured that the cost of services is less than the freight cost. जो cost of services है, वो कम होगा freight cost के मुकाबले। ये ensure करने की कोशिश की जाती है, क्योंकि freight cost अगर service cost से ज्यादा हो जाएगा तो खर्चे आपके ज्यादा बढ़ जाएंगे, और खर्चे ज्यादा बढ़ जाएंगे तो भाई आप करना नहीं चाहोगे, है ना। सो टू कर्ब कॉम्पिटिशन एंड कंट्रोल फ्रेट रेट्स, लीनियर लाइनर ऑपरेटर्स या फिर लीनियर ऑपरेटर्स आप बोल सकते हो, have formed an association called conference which works to set common freight rate and pooling arrangements like cargo sharing, berth pooling, etc. तो इसी तरह के प्रॉब्लम को लाइक सॉल्व करने के लिए, इस तरह की कंपटीशन में को यू नो ठीक तरीके से टैकल करने के लिए जो है इसको तैयार किया गया है, कॉन्फ्रेंस को तैयार किया गया है, एक एसोसिएशन तैयार किया गया है जिसको कॉन्फ्रेंस कहते हैं, जहाँ पे आप ये सेट करने की कोशिश करते हो कि जो फ्रेट रेट है वो कॉमन रहेगा सबके लिए, ठीक है ना। वहाँ पे पूलिंग अरेंजमेंट्स होंगी जिस तरह, जैसे कि कार्गो शेयरिंग हो गया या फिर बर्थ पूलिंग हो गया, इस तरह की अरेंजमेंट्स जो है वो की जाती हैं ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्फ्रेंस, ठीक है ना। कॉन्फ्रेंस के बेसिस पे जो लोग वहाँ पे यू नो कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेते हैं या फिर कॉन्फ्रेंस जो लोग शामिल होते हैं वो लोग आपस में इस तरह की चीजें करते हैं। तो आई होप कि लीनियर शिपिंग क्या होती है और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में आपको पता चल गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर करो, और हाँ नोट्स के लिए आप हमें कॉल कर सकते हो, फोन नंबर मैंने बताया आपको ऑलरेडी, एंड मिलते हैं अगले क्लास में, अपना ख्याल रखो, बाय, थैंक यू।